तो ये दो कलर जो हमने बचपन से यूज किए हैं, तो आज मैं देखने वाला हूँ इनमें से कौन से बेटर है। 10 रुपए वाले क्रेयॉन्स कलर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 60 वाले क्रेयॉन्स के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें। तो मैं इनको टेस्ट करने के लिए एक ड्राइंग पेपर पर एक तरफ 10 रुपीज लिख लेता हूँ और एक तरफ 60 रुपीज लिख लेता हूँ। तो ये तो लिख के तैयार हो चुका है और अब बात थी इस पे कुछ ड्रॉ करने के लिए। तो मैं सोचने लगता हूँ क्या ड्रॉ करूँ। जब भी मेरे माइंड में आता है क्यों ना आज एक लोगो ड्रॉ किया जाए, तो मैं लोगो को ड्रॉ करने लगता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कौन सी कंपनी का लोगो है। वैसे तो काफी सिंपल है लोगो बनाने में, लेकिन देखते हैं आप लोग इस लोगो को गैस कर पाते हो। अब बारी थी इनमें कलर करने की। तो सबसे पहले मैं 10 वाले क्रेयॉन्स कलर को लोगो में भरने लगता हूँ। वैसे बचपन से तो मैंने यही वाले कलर यूज किए हैं, पर अब मैं ये वाले कलर यूज नहीं करता। और अब बारी थी 60 रुपए वाले क्रेयॉन्स कलर को लोगो में भरने की, और इसके साथ तो एक इरेजर भी आती है। चलो ये वाले कलर लोगो में भरते हैं और अब मैं यही वाले कलर को यूज करता हूँ, क्योंकि ये कलर बहुत ज्यादा स्मूथ भरे जाते हैं और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। आपको मेरी ड्रॉइंग कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताएं। तो देखते ही देखते लोगो भी बनके तैयार हो जाते हैं। कौन सी कंपनी के लोगो आप मुझे कमेंट करके बताएं और कौन सा ज्यादा अच्छा ये भी बताएं।